नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। टीवी पर सीरियल देखा और आईपीएस अधिकारी बन गई है महिला, है ना आश्चर्य की बात, पर यह सही है। बिहार का शायद ही कोई बंदा हो जिसने आईपीएस हरप्रीत कौर का नाम नहीं सुना हो। कड़क अंदाज और अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाने वाली बिहार कैडर की आईपीएस हरप्रीत कौर के आईपीएस बनने के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। और ये कहानी आज की नई पीढ़ी के लिए किसी मिसाल से भी कम नहीं है। हम तो कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को हरप्रीत कौर से ज़रूर सबक लेना चाहिए। हरप्रीत कौर का जन्म पंजाब के बरनाला ज़िले के एक बेहद छोटे से गांव अलकड़ा में हुआ था। हरप्रीत कौर के पिता टीचर तो माताजी घरेलू महिला थी। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई लिखाई अपने गांव के ही छोटे से सरकारी स्कूल में की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए हरप्रीत चंडीगढ़ चली गई। वहां से उन्होंने अपना बीकॉम फाइनल किया और बीकॉम के बाद हरप्रीत ने सीए का एग्जाम भी क्लियर कर लिया। लेकिन हरप्रीत कौर इतने से ही कहां मानने वाली थी। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी टीवी देखने के शौकीन होते हैं। युवा पीढ़ी को तो टीवी सीरियल्स और फिल्मों का दीवाना माना जाता है। हरप्रीत भी टीवी देखती थी, लेकिन बेसिर पैर के धारावाहिक, फिल्म और गाने नहीं, बल्कि वो दूरदर्शन पर नियमित तौर पर उड़ान सीरियल देखा करती थी, जो कि एक प्रेरक धारावाहिक हुआ करता था अपने समय का। हर सफलता के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा या किसी किस्म का मोटिवेशन जरूर होता है। हरप्रीत कौर के आईपीएस बनने की प्रेरणा इस उड़ान धारावाहिक से ही मिली थी। हरप्रीत कौर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता सरदार जोगिंदर सिंह बचपन से ही उड़ान सीरियल देखते थे और अपने बच्चों को दिखाते थे। यह एक महिला आईपीएस अफसर की कहानी थी। तब से ही हरप्रीत कौर के मन में भी उसी महिला आईपीएस अफसर की तरफ बनने का सपना आने लगा था। आपको हम बता दें कि उड़ान सीरियल उत्तराखंड की डीजीपी रही सीनियर आईपीएस अधिकारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य की कार्यशैली, जीवनी और उनके संघर्ष पर आधारित था। इस सीरियल की एक और खास बात थी कि इसमें आईपीएस कंचन का किरदार उनकी सगी बहन कविता चौधरी निभा रही थी। इस सीरियल में मशहूर डायरेक्टर और बॉलीवुड एक्टर शेखर कपूर ने भी अपना किरदार निभाया था। इस सीरियल की प्रेरणा लिए हरप्रीत ने 2005 में दिल्ली का रुख किया और अपने तीसरे प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर बिहार कैडर की महिला आईपीएस बनने का गौरव हासिल किया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।